Brothers and sisters, we heard about you shall know the truth and the truth shall set you free. जैसे भाई और बहनों हमने अभी सुना कि तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. That's what we read in John chapter 8 verse 32. और इसके विषय में हम योना के अध्याय 8 और वचन 32 में पढ़ते हैं. And that's a real truth that you know when we know the truth in our life, the truth which is first of all Jesus is the truth. और यही वास्तविक सत्य की बातें हैं कि सबसे पहले मुख्य रूप से कि यीशु मसीह जो है वो स्वयं सत्य है. And his word is truth. और उसके जो वचन है वे सत्य हैं. Jesus is also called the word. और यीशु मसीह को वचन में वचन भी कहा गया है. So his word is truth. और उसके जो वचन है शब्द है वे भी सत्य है. So when we know, when we hear the word and when we believe the word, it can set us free. और जब हम उसका परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं उस सत्य को अपनाते हैं. There are so many good sayings of great men. और ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे बातें अच्छे शब्द महान लोगों के द्वारा कहे गए हैं. So many people quote those nice sayings of you know great men, maybe महात्मा गांधी और maybe some good big presidents and all that. और वो जो महान पुरुष होते हैं जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जैसे वो कुछ कहे थे और उनका जो वाक्य कथन होता है उसके बारे में लोग उसकी चर्चा करते हैं और उसे बताते हैं. And then there are quotes by great men of God. और उसके साथ ही साथ में कई सारे ऐसे भक्ति में परमेश्वर के जन होते हैं पुरुष होते हैं जिनके द्वारा भी कुछ वाक्य कहा जाता है. Godly men of God. और ईश्वरीय भक्ति स्वभाव के जो परमेश्वर के लोग होते हैं. But none of those quotes have got the power of the word of God. लेकिन उनमें से कोई भी उनका जो कहा हुआ वाक्य होता है उससे परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य नहीं मिलती है. We cannot depend on any of these quotes to set us free. और हम इनमें से इन मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचनों में से किसी पर भी अपना आधार नहीं मान सकते हमारी स्वतंत्रता के लिए. It at the most it is like a good advice and a good thing to follow. इसे ऐसे कहा जा सकता है समझा जा सकता है कोई अच्छी सलाह सुझाव जो हमारे शायद कोई काम आ जाए. But this word of God is absolutely powerful. लेकिन परमेश्वर का ये जो वचन है ये वास्तविक रूप से सर्व सामर्थी वचन है. It has got a power to create. क्योंकि इस वचन में ऐसी सामर्थ्य कि यह उत्पन्न कर सके. By his word he created this world. और उसके वचन के द्वारा उसने इस जगत की उत्पत्ति की. So brothers and sisters, this word, this promises, when we really believe in our heart, it will work in our lives. और भाई बहनों परमेश्वर का ये जो वचन है जो उसकी प्रतिज्ञा वायदे हमारे द्वारा हमसे किए हुए हैं. So we विश्वास करते हैं ये कार्य होता है. We heard that one of the great things to we find difficult is to believe the love of God. और कई बार हमें ये अक्सर दिक्कत होती है कठिनाई होती है इस पर विश्वास करना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं. That God loves us just like Jesus. कि परमेश्वर बिल्कुल हमारे हमसे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा प्रेम उसने यीशु से किया. Okay, there's another thing which we find it difficult. और एक और बात है जिसके लिए हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है. That God will take care of all our problems. कि परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं को देख लेंगे. That we should not be anxious. कि हम किसी बात की चिंता ना करें. That we should not worry. कि हम किसी भी बात के विषय में भयभीत ना हो. We find it difficult because there is some problem and I am anxious and I am worried. और यह कठिन बात होती है कि मुझसे कहा जाता है कि मैं किसी बात की चिंता मत ना करूं और मैं फिर भी वह चिंता करता हूं। But Jesus's word says, do not worry about tomorrow. लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि कल की चिंता मत करो. Tomorrow will take care of itself. क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा. And it is Jesus's word. और ये यीशु मसीह के कहे हुए शब्द है. Can we stand upon it? क्या हम उस पर खड़े हो सकते हैं? And say, yes, I will not worry. कि हाँ मैं चिंता नहीं करूंगा. So this is the power of God's word. और यही परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है. So, brothers and sisters, one thing about the love of God for us. और भाई बहनों एक मुख्य रूप से विशेष बात जो परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति होता है. He has made a wonderful plan for this love of God for us. और परमेश्वर ने उसके इस प्रेम से जो वो हमसे करता उसमें उसने एक अद्भुत योजना बनाई है. He forgave us of all our sins when we repented. और जब हमने उसके सम्मुख आकर मन फिरा उसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया. And then because of our faith in God, because of our faith in Christ, what Christ has done, he gave us a gift of righteousness. और उसके बाद हमारा जो विश्वास जो हम यीशु मसीह पर करते हैं कि जो कुछ उसने हमारे लिए किया वह हमें अनुग्रह प्रदान करता है. All this is found in Romans chapter 3 and 4. और इन सारी बातों के विषय में आप रोमियों के अध्याय 3 और 4 में पढ़ सकते हैं. It is called justification by faith. और इसे कहा गया है वहाँ पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना. That is when we believe in Jesus Christ from our heart, God
considers us as righteous. इसका मतलब है कि जब हम अपने हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके सम्मुख आते हैं, वह हमें ऐसा विशेष अनुग्रह प्रदान करता है कि हम उसकी धार्मिकता हमें मिलती है. He gives us a gift of righteousness. वह हमें उसकी धार्मिकता का दान हमें देता है. To live for the rest of our life. कि हम आगे का हमारा जीवन बिताएं. Then you'll say that, brother, I'm so weak. I fall in so many areas. लेकिन आप कहेंगे कि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर दुर्बल हूँ कि मैं बार बार अक्सर गिर रहा हूँ. Brothers and sisters, when Christ comes and lives within us, and when we are a born again Christian, then our desire to sin leaves us. भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के पास आते हैं सच्चे रीति से मन फिराकर नया जन्म पाके उद्धार को पाते हैं और उसका प्रेम हमारे मन में हृदय में आता है, तब हमारे अंदर की इच्छा जो पाप करने की होती है, so that तो इच्छा कम होते होते दूर हो जाती है. That is the natural behavior of a child of God. और यह एक प्राकृतिक रूप से शारीरिक रूप से स्वभाव होता है एक परमेश्वर के संतान का. When a child of God loves the sin and tries to indulge in, he is in a way going astray from God and he's in a black student state. और एक परमेश्वर का जो परमेश्वर की संतान जो होता है, बच्चा जो उसका होता है, यदि वह बार बार पाप में उलझ रहा है, बार बार अक्सर गिर रहा है और वह उठकर मन नहीं फिरा कर आता, तो वह ऐसी दशा में चला जाता है जहां पर वह पीछे की ओर मुड़ता हुआ, पीछे की ओर लौटता हुआ चला जाता है, परमेश्वर से दूर होता है. So in that condition you cannot have much fellowship with God. और ऐसी दशा में उस व्यक्ति का परमेश्वर से ज्यादा अधिक संगति का संबंध नहीं हो पाता. God continues to work in him to bring him back. और परमेश्वर लगातार उस व्यक्ति के हृदय में जीवन में काम करते रहते कि फिर से लौट कर उसको पलट कर लेकर आए. Allows problems, situations to come so that he will repent and turn back. ताकि वह उसके जीवन में हर एक किसी भी तरीके से कोई भी कठिनाई समस्या खड़ी हो जाए और वह पलट कर लौट कर प्रभु के पास आए. But the one who is in love with Jesus, though he falls and he repents, for him, he can always trust in the righteousness of Christ. और लेकिन ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है या परमेश्वर का संतान है, और यदि वह परमेश्वर को जानते हुए पाप में गिर जाता है, फिर भी वह उस बात की चिंता किए बगैर परमेश्वर की ओर देखता रहता है कि उसने उसके धार्मिकता का दान उसे दिया, उसे क्षमा मिलती है. We must take away our righteousness completely. और हम हमारी जो स्वयं की धार्मिकता उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दें. We heard about that शून्य से लेके, you know, God from brought us from zero. और जैसे हमने उस गीत में भी गाया कि शून्य से लेके और परमेश्वर हमें शून्य से बनाया. Brothers and sisters, our righteousness has to come to zero. और भाई बहनों, हमारी जो स्वयं की धार्मिकता है वह भी ऐसी दशा में ऐसी स्थिति में आ जाए कि वह शून्य बन जाए. We should totally forget about our righteousness. और हम पूरी तरह से हमारी स्वयं की धार्मिकता को भुला दें. When we are thinking of having an acceptance before God. और जब हम इस विषय में सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे अपनाते हैं, परमेश्वर मुझे स्वीकारते हैं, so when our righteousness is zero, it is Christ's righteousness upon us. और जब हम अपने स्वयं की धार्मिकता को शून्य दशा में लेकर आते हैं, वह धार्मिकता जो यीशु मसीह की है हमारे जीवन में आती है. And that righteousness does not come go up and down. It's always there. और वह धार्मिकता जो यीशु मसीह की है जब हमारे जीवन में आती है, वह ऐसे उतार चढ़ाव ऊपर नीचे नहीं होती, वह हर समय हमारे जीवन में बना रहता है. So God looks us at us as his beloved. और परमेश्वर हम पर ऐसी दृष्टि से हमें देखता है जैसे हम उसके प्यारे हैं. We must always come to the place where we really believe that God, we are his beloved. और हम हमारे जीवन में ऐसी स्थिति पर आ जाए, ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां पर हम ऐसा सोचे कि परमेश्वर के हम कितने अधिक प्यारे हैं. When we are sleeping, when we are getting up, anytime our feelings may be different, but our faith is that we are his beloved. हो सकता है हम जब कभी सो रहे हो, सोकर उठ रहे हो, हर समय हमारी भावनाएं जो है वह अलग हो सकती है, लेकिन हम यही हमेशा विचार करें और सोचें कि परमेश्वर का जो मेरे लिए प्रेम है वह स्थिर रहता है. Zephaniah 3:17 is one verse which we should all believe. और सफन्या अध्याय 3 वचन 17 वचन 17 जो हम हर समय इस वचन को स्मरण रखने पाए. Not only believe, we must by heart it. और न केवल आप इस पर विश्वास करें परंतु इसे आप दोहराकर आप इसमें स्मरण भी कर लें. See, if the word of God is truth and if it is going to set us free, we must learn to memorize verses. अब भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का जो वचन होता है वह सत्य वचन होता है और जब आप इस वचन को स्वीकारेंगे तभी आपको स्वतंत्र करेगा. Zephaniah 3:17 says, the Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will rejoice over you. He will be quiet in his love. He will rejoice over you with shouts of joy. और हम पढ़ते हैं सफन्या अध्याय 3 वचन 17, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा,
वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। I believe this. I say, I tell it, even though I don't feel. I say, Lord, I know you love me and you rejoice over me. और मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, भले ही मेरी मन की जो भावनाएं होती वो कुछ और ही बताती हो या मेरी भावना कुछ और ही हो, फिर भी मैं कहता हूँ कि प्रभु तू मुझ पर आनंदित और मग्न होता है। I do things which I should not do. But I am repentant about it. मुझसे वह काम होता है जो आप नहीं चाहते कि मैं करूं, लेकिन मैं उसके विषय में मन जरूर फिराता हूं। I repent about it and I don't allow condemnation to rule my life again. और मैं दोष लगाने की भावना को नहीं अनुमति देता कि वह मेरे जीवन पर राज्य करे। Condemnation is not for any of God's children. और दोष लगाना जो है वह परमेश्वर की दृष्टि में उसके संतानों के लिए किसी के लिए भी नहीं है। Who love Jesus and want to follow him, condemnation will not be there. और यदि आप यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, दोष लगाना आपके लिए नहीं है। धन्यवाद देती हूँ, मुझे समय परमेश्वर ने दिया है। I thank God for giving this time to me. जब किरण ब्रदर ये वचन बांट रहा था, When किरण ब्रदर was sharing these words, तो परमेश्वर ने मेरा मन में ये वचन लाया है। And God sent these words into my heart. Isaiah, in Isaiah 28, chapter 28. And 16. Chapter 6, verse 16. Please, Hindi में कोई पढ़ सकता है? Isaiah 28:16. कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव और योग्य पत्थर, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा रखेगा वह उतावली न करेगा। बस थैंक यू। तो परमेश्वर मुझसे ये बात कर रहा था मेरे जीवन के लिए। सो गॉड वाज सेइंग दीज वर्ड्स टू मी अबाउट माय लाइफ। या हम मसीह है, वी आर क्रिश्चियंस। हमारा पहला मसीह इस धरती पे जिया है। द मसीहा लिव्ड इन ऑन अर्थ बिफोर अस। इसके बाद ही हम कहलाते हैं हम मसीह है। And that is why we are called Christians. और उस पत्थर को, उसको मसीह को परखा गया है। And that cornerstone was tested. परमेश्वर ने परखा गया है उसको। God tested. और उसको अनमोल समझा है। And it was made valuable. तो उसमें कोई खराबी नहीं था। There was no problem in it. तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें भी संसार परखेगा। And this is why the God word says that the world will test us. और ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा जब इस वचन को पढ़ रही थी। And when I read this verse, this came to my heart. जब भी हम मसीह होने के नाते गिर जाते हैं, whenever we fall as Christians, और मसीह को परखा हुआ एक स्टोन की तरह, कॉर्नर स्टोन की तरह उसको रखा गया है, वो है हमारे लिए। Jesus has kept as a cornerstone who is tested and he's kept for us. जैसा किरण ब्रदर ने ये कहा था, पीटर पत्रस ने जब मसीहा के साथ होकर, and just as किरण ब्रदर shared that even Peter who was living with Jesus, और कई अद्भुत कार्य उन्होंने देखा, they saw a lot of miracles. और कई आश्चर्य कार्य देखने के बावजूद भी, मसीह का हाथ देखने के बाद भी, even after seeing all these things that Jesus did, even after living with him throughout, जब अपने प्राण के ऊपर आने लगा, when it came to his own life, तो उन्होंने, then he denied, तो त्याग दिया है मसीह को, he denied Christ. तो हम भी, हम तो मसीह को देखा नहीं है। So we have not seen Jesus. इसलिए शैतान हमें बहुत जल्दी बहका सकता है। And that's why Satan can deceive us more easily. तू कैसा विश्वासी है? What kind of believer are you? कैसा तू विश्वासी जीवन जीता है? How are you living this life? और इस संसार बहुत टेम्पटेशन हमें टेम्पटेशन में डालता है। And the world puts us through a lot of temptation. तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उस सच को जानो। And that is why God's word says to know the truth. क्योंकि जिस सच्चाई को परमेश्वर ने परखा और उसको हमारे लिए कॉर्नर स्टोर बनाया है। Because that truth
God tested and made a cornerstone for us. यदि हम कहीं पे गिर भी जाए, and whenever we fall, तो वो हमारा बुनियाद हिला नहीं सकता है. It cannot shake our ground. क्योंकि already हमारा बुनियाद, मेरा बुनियाद मसीह है, तो कोई हिला नहीं सकता है. Because my foundation is based on Jesus and no one can shake that. तो इसके लिए मैं और एक वचन आपको पढ़ने के लिए जरूर आप घर पे जाके ध्यान कर सकते हो, रोमियो का किताब. That's why another verse I want to share that is in Romans 8, Romans chapter 8, 25 and verse 25 and last तक 39 तक. But if we hope for what we do not see, आप आपका लिख सकते हो, घर में जाके ध्यान कर सकते हो. इसमें ऐसा लिखा है, कौन सा ऐसी परिस्थिति है परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है. So you can read this verse at home, but it says that what kind of situation is that will come into your life that will separate you from God. ना पैसा ना गरीबी. It's not money, it's not poor, poverty. ना निंदा है. It's not condemnations. ना नग्नता है. नग्नता. Not nakedness. And anything, वहाँ पे सारा चीज दिया गया है. And there are lot of things written here. कोई भी चीज हमको परमेश्वर के जो प्रेम को आपका अंदर एक सच्चाई बना के रखा है. And nothing can separate you from God because God's love lives in you. तो इस संसार की कोई भी बड़ा से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता. So let it be any kind of mountain placed from this world, but it cannot separate you from God's love. जब इस वचन को मैं देखती हूँ, मेरा जीवन को बहुत उत्साहित मिलता है. Thank you. And whenever I see these words, it encourages me. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. I thank God. स्वतंत्रता के बारे में बताया. That he is teaching us about freedom. परमेश्वर को जानते हैं हम सिर्फ शब्दों में बोलते हैं. We know God and we see it through words. लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता है कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर वचन था. And God's word says that in the beginning God was there and he was the word. और जब हम जब वचन को जानते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं. And if we know the word, we know God. मेरे जीवन में मैंने कुछ ऐसे मेरे जीवन में कमियां थी. And there were some shortcomings in my life. मैं खुद से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी. I was trying to have control over it by my power. खासकर मैं पब्लिक में ज्यादा मैं खुद को नियंत्रित करती थी. And in public I used to control myself. मैं हमेशा यही सोच के कि मैं मेरे अंदर की कमियां बाहर आ रही है. And I used to think that my weaknesses will come out. मैंने उसको एक्सेप्ट करती हूँ. And now I accept that. परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ. And I ask forgiveness from God. और उसमें निकलने की कोशिश भी करती हूँ. And I'm trying to get out of it. लेकिन मैं अपने तरीके से. But I was trying it by my power. मैंने देखा बहुत समय तक मैं उसमें से नहीं निकल रही थी. And I looked at myself that for a long time I was not coming out of it. मेरे मन में एक विचार आया कि क्या सच में मैं परमेश्वर को जानती हूँ. And this thought came into my mind that do I really know God? क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? Does really God love me? तो अगर ऐसा है तो मैं खुद से क्यों नियंत्रित कर रही हूँ? And if that is so, then why am I trying to control it by myself? हम सब बाहरी चीजों को बहुत नियंत्रित करते हैं. I try to control the outward things. लेकिन अंदर से तो परमेश्वर कंट्रोल करते हैं. But from inside God has to control. तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक वचन से मुझे उत्साहित किया. So a verse encouraged me. परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ऐसे है जो हमसे प्रेम करते हैं. God said that his nature is to love us. वो सारे विश्व को नियंत्रित करते हैं. And he controls the whole world. तो क्या उनके चुने हुए बच्चों को वो उनके जिसके लिए उन्होंने चुना है उनके लिए तैयार करने के लिए क्या वो नियंत्रित नहीं कर सकते? So, क्या उस पे विजय नहीं दे सकते? So can he not give us victory over for the people who he has chosen? मैं एक वचन पढ़ती हूँ. And I want to read a verse. योहन्ना 17, John 17, 23. 23. मैं उनमें और तू मुझ में कि वो सिद्ध होकर एक हो जाए.
I in them and you in me, that they may be perfected in unity. जिससे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है और जैसे तूने मुझे मुझसे प्रेम किया है वैसे ही उनसे भी प्रेम किया है. So that the world may know that you sent me and loved them. Even as you know have loved me. तो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे सिद्ध करने के लिए चुना है. So God has selected me, chosen me to make me perfect. तो मुझे यह वचन मुझे बहुत एनकरेज मिला. And this word encouraged me. और कुछ ही दिनों में से वो परिस्थिति में से मुझे जयवाद किया प्रभु. And he gave me victory over that condition. तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. And there is nothing impossible for God. तो हमारे बल से हमारे शक्ति से हम खुद को नियंत्रित करने के लिए नहीं देखना है. So we should not try to control ourselves by our power. हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों के सामने लज्जित हो रहे हैं, हम लोगों में हमें लोग नीचा देख रहे हैं, तो हमको ये bad feel होता है. We may think and we may feel bad that we have insulted in front of people. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी ऐसी तरह से लज्जित हुआ हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने दाहिने हाथ में जाके बैठा हूँ. But Jesus says that even I was insulted, but now I am sitting at the right hand of God. तो तुम्हें भी मैं उस दिन के लिए तैयार कर रहा हूँ जो दिन आने वाला है. That is why I am preparing you for that day. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. I thank God. किरण भाई ने जो आज वचन लाया, किरण ब्रदर शेयर दिस वर्ड, ये बहुत सालों के बाद आज ये वचन से मुझे बहुत कुछ याद आया. एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स आई रिमेंबर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अप थ्रू दिस वर्ड. ये वचन ये अपने जीवन में कार्य होने के लिए और सुनने के लिए बहुत अलग बात है. For this word to work in our lives and us just hearing, there is a lot of difference in it. जब भी मेरा शादी भी नहीं हुआ था, एक चर्च में था मैं. When I was not married, I was in another church. और उसमें मैंने बहुत संघर्ष किया, उसमें से शायद आपने कोई किया नहीं रहेगा. And I struggled a lot there. लेकिन हम लोग हर एक जन बहुत महत्वपूर्ण है. But all of us are precious. हर एक व्यक्ति. Each one of us. वहाँ पर मैंने वहाँ चर्च में समाचार में बहुत देता था और मेरा हर एक जन वो समाचार सुनते थे. रोड पे मैं प्रचार करता था, समाचार देता था. I used to preach in that church and a lot of people used to hear me. और कई बार तो मुझे कोड़ी लोगों का सेवा करने के लिए भी भेजा था. And many times I was sent to serve lepers. तो उसी समय भले मेरा मन परमेश्वर से भटका हुआ है, but at that time my heart was drifted away from God. लेकिन परमेश्वर ने वही चीज के लिए मुझे इस्तेमाल किया जो परमेश्वर चाहता था कि इस तरह से उसका इस्तेमाल हो. But God, even then God used me for the purpose that he made me for. और उसी तरह परमेश्वर ने जब मेरे पे एक सच्चाई प्रकट की और मैंने सच को जाना, तभी यहाँ पर आज तक मैं यीशु में हूँ. And then God revealed His truth on me, and I came to know the truth, and now I am here. भले हमारे पास बहुत संकट है, बहुत तकलीफ है हमारे जीवन में. There may be lot of troubles in our life. लेकिन अगर बाहर का कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, but if anyone outside talks to you, अगर उसका सब कुछ आप सुन लेते हैं, and if you hear all of their stories. अगर उससे आप बात करोगे तो वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा. And when you speak to them, that person will be free. इसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण है. That is why we are important. उसका तो बहुत दुख होता है, बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम्स होता है, वो हमें बताता है. लेकिन जब वो बात हम पे प्रकट करता है तो वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है. And people have a lot of difficulties, go through a lot of difficulties, but when they say to us, when they share with us, they are set free. और परमेश्वर का एक ऐसा है बात करने का, जो परमेश्वर बोलता है अगर मुझे परखना है तो तुम परख कर देखो. एंड गॉड सेज दिस वे दैट इफ यू वांट टू टेस्ट मी यू टेस्ट मी. मैं क्रिया भी करता था और काम भी करता था. आई यूज्ड टू डू वर्क्स और मसीह के लिए टाइम भी देता था. एंड आई यूज्ड टू गिव टाइम फॉर लॉर्ड. और मेरा हमेशा दशमांश जाता था. And I used to give tithes. तो उस दशमांश से
मैंने परमेश्वर के परख के देखा, मुझे इतनी आशीष मिली, इतनी आशीष मिली। आज भी परमेश्वर भरूच के आने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। And through those works, I tested God, and now I know that God is faithful. क्योंकि वो मैंने दसवां से देना सीखा था और लोगों ने मुझे कहीं कहीं का नाम रखा है, आपको पैसा मिलता रहेगा, इसके लिए आप इश्यू में आए, ये कहा से तेरे को पैसा मिलता है ना, लेकिन मैं और मेरी मम्मी को लास्ट तक संभालता रहा। And I used to give tithes, and people used to say that, where are you getting all these money from? लेकिन परमेश्वर ने मेरे पीछे कभी आशीष बंद नहीं किया। But God has never been unfaithful to me. बढ़ा रहा है और बालू ब्रदर और मेरा सिस्टर इन लोग ने मुझे एक
चर्च के लिए और रो रही थी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने अच्छा चर्च दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर को बोलते हैं मुझे जैसे ही प्रभु तू बड़ा और मेरे बच्चे लोग को भी इधर ले किया, धन्यवाद परमेश्वर का मैं करती हूँ। और हमने सुना कि परमेश्वर हमको आजाद करता है। And we heard that God will set us free. जब सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। When you will know the truth, you will be free. You know, मैं ये चीज मैं भी फेस कर रहा था। And even I was facing this. You know, मैं क्या चीज फेस कर रहा था वो बताना चाहता हूँ। And I want to share what I was facing. You know, मैं ये चीज फेस कर रहा था जब मसीह के अंदर में आने के बाद कि मैं मेरा विचार जो प्रीवियस जो मैंने पाप किया वो वापिस मुझे याद आ रहा था बार 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 बार। After becoming a Christian, the sins that I had committed, all the things that I had done in my past, used to come into my mind again and again. उस चीज के लिए मैंने पश्चाताप किया, प्रभु मुझे माफ किया, मुझे पता है। And for that things I repented and I asked forgiveness from God. मेरा प्रभु ये जा रहा क्यों नहीं है? But it was still not going and I was asking God why it's not going. वो आ रहा है और विचार में मेरे। It's coming into my thoughts again and again. मेरे जब truly मैं बोला प्रभु मैं वचन में मैंने बिलीव किया कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारा पाप धुल जाता है और परमेश्वर हमको माफ करता है। But then I truly believed that through Jesus' blood, all our sins are cleansed. Then I was set free. मैंने कन्फेस किया और बिलीव किया। Then I confessed and I believed. और इसका परिणाम क्या हुआ पता है? And what was the result, do you know? जो मेरे अंदर विचार आ रहा था वो उससे मैं आजाद हो गया। All these thoughts that were coming into my mind, I was free from them. तुम देखा कि वचन में ऐसे भी लिखा है कि जहाँ कहीं आत्मा है तो परमेश्वर तुम्हें वहाँ पर छुटकारा मिलता है। And it's in word it is written that whenever wherever there is spirit, God will set you free. परमेश्वर ऐसे क्यों है कि इतना हमको टाइम लगा था कि हमको आजाद देने में? And why God takes so much time to set us free? परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे दिल से उसको ढूंढे। And because God wants us to seek Him from all our heart. यिर्मयाह में लिखा है। And it's written, जो कोई इसको पूरे दिल से ढूंढता है परमेश्वर उसको मिलता है। Whoever seeks him with all his heart will find him. और जब परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर का लाइफ हमको मिलेगा। And when we seek God, we'll find his life. तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। And I thank God for this. एक वचन में बोल के बंद करना चाहता हूँ। And I want to share one word and close it. पाप एक ऐसा मालिक है जो बहुत कठोर मालिक की तरह है। Sin is a master who is very strict. और जितना करीब उसके पास जाएगा वो आपको बंधन में रखेगा। And the more you go towards it, the more you will be bonded. लेकिन यह परमेश्वर का धन्यवाद हो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस पाप के बंधन से आप और मुझे छुड़ा लिया। But thank God that 2000 years before God set us free from it. एक वचन 1 Corinthians 15 और 55 में एक वचन लिखा है, मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। 1 Corinthians 15 वर्स 55 वहां पर लिखा है, 1 Corinthians 15 वर्स 55, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? 56, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का जो फल है वो व्यवस्था है। 57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 55, ओ डेथ वेयर इज योर विक्ट्री, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन एंड द पावर ऑफ सिन इज द लॉ, बट थैंक्स बी टू गॉड हु गिव्स अस द विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो ये वचन इतना प्रोत्साहन दिया कि हमें विक्ट्री कौन देते हैं? एंड दिस वर्स एनकरेज मी एंड शोड मी हु गिव्स अस विक्ट्री। क्या हमारे बल, हमारे सामर्थ्य, हमारे ज्ञान, डज आवर एबिलिटी, डज आवर पावर गिव अस विक्ट्री? नहीं, वहां लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के द्वारा हमें विक्ट्री मिलती है। एंड इट्स रिटन दैट बट थैंक्स बी टू गॉड दैट वी हैव विक्ट्री थ्रू लॉर्ड जीसस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि सच में हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। And brothers and sisters, I want to share this. If you truly know the truth, you will be free. अगर आप चाहेंगे कि मुझे स्वतंत्र नहीं होना है तो संसार में बहुत सारा चीजें हैं आपको और भी बंधन में रखने के लिए। But if you will not, to not be free, then there are a lot of things in this world that will bound you. So, जब कभी आप परमेश्वर के पास आते हो तो याद रखो कि आपके जीवन उस वचन के द्वारा तुलना कर सकते हो आप।
So whenever you come to God, just look at this verse. क्योंकि उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन में सत्य लिखा है हर एक बात, जीव हर एक बात के लिए. Because it says that God's word is true. जहाँ कहीं भी अगर परमेश्वर के वचन के तुलना में आपके जीवन नहीं है तो वहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं. And wherever your life is not according to God, you can look it at through the words. लेकिन संसार में बहुत सारे bondages हैं. And there are lot of bondages in this world. हमारे पारिवारिक लोगों के अंदर भी हमें हम बंधन में रह सकते हैं. We may live into our bondage of families. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवंत करता है वो. But thanks be to God that Lord Jesus, we have victory in Him. संप्रार्थना में समय बिताएंगे. So